नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। बात करेंगे आईपीएल की, बात करेंगे कल के मैच की, बात करेंगे मुंबई वर्सेस हैदराबाद की। अब इस मैच में क्या होता है, इस मैच के लिहाज से देखें तो हैदराबाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि अगर यहाँ पर वो जीतते तो लगभग उनकी क्वालिफिकेशन तय हो जाती प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें जीत नहीं मिली है और आखिरकार मुंबई को जीत मिल गई है। लेकिन फिलहाल जैसा कि हम सभी को पता है कि मुंबई तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुका है। मुंबई सिर्फ और सिर्फ 12 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है अगर वो अपने बाकी बचे मैचेस जीते भी तो। लेकिन हैदराबाद के लिए कहानी कुछ और थी। फिलहाल अब बात करते हैं मैच में क्या कुछ हुआ। तो मैच में होता यह है, पहले बल्लेबाजी करने को आती है हैदराबाद, शुरुआत अच्छी रहती है, 5 ओवर में 48 रन और सिर्फ एक विकेट रहता है जहां पर अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, लेकिन ट्रेविस हेड जबरदस्त पारी खेल रहे होते हैं, वो 48 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उनके आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी ऐसे लगती है कि एक समय 130 पर 8 विकेट हो जाते हैं हैदराबाद टीम के। और उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद यहाँ पर लगता है कि टीम 150 तक भी मुश्किल से पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 विकेट होते हैं, अगर एक विकेट और गया तो टीम ऑल आउट की कगार पर आ जाएगी। लेकिन वहाँ से पैट कमिंस कप्तान आते हैं, जिम्मा संभालते हैं और एक इम्पैक्ट प्लेयर लाते हैं जो बैट्समैन ही होता है, और लेकिन वो तो कुछ खास नहीं करते हैं, जो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं कमिंस आते हैं, कमिंस छाते हैं और टीम को 170 का आंकड़ा पार करा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब आती है बल्लेबाजी को मुंबई, तो मुंबई की शुरुआत तो बद से बदतर होती है, सिर्फ और सिर्फ 31 रन पर 3 विकेट, नवन धीर आउट, रोहित शर्मा आउट, ईशान किशन आउट, मुंबई फिर से एक बार मचधार में फंस जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सूर्य है तो सब कुछ मुमकिन है, सूर्य आते हैं, सूर्य छाते हैं और बताते हैं कि इस स्काई की कोई लिमिट नहीं है, एक और सेंचुरी लगाते हैं, 102 रन बनाते हैं, उनका साथ देते हैं तिलक वर्मा, वो बनाते हैं 37 रन और टीम को 7 विकेट से जीत दिला देते हैं, टीम कोई और विकेट नहीं खोती है उन 3 विकेटों के बाद और बहुत ही प्यार से 18वें ओवर में ही टीम जीत जाती है 17.3 ओवर में, और उसके बाद हैदराबाद की मुश्किलें बढ़ा देती है। मुंबई तो पहले से बाहर है, लेकिन अब मुंबई जिसे भी हराएगा उसकी पार्टी खराब करेगा, क्योंकि वो तो बाहर हैं लेकिन जिनको हराएंगे फिर उनके लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। वही कुछ हैदराबाद के लिए दिखा इस मैच में। अब देखना पड़ेगा क्या मुंबई अपने बाकी मैचेस जीत सकता है, हालांकि क्वालिफाई तो नहीं करेंगे लेकिन दूसरे की पार्टी जरूर करेंगे, खराब करेंगे और सम्मानजनक पॉइंट टेबल तक एटलीस्ट पहुंचेंगे और सोचेंगे कि आखिरी पोजीशन पर ना आए, एटलीस्ट 9 या फिर 8 नंबर पे आए तो एटलीस्ट उनकी साख बच जाए, क्योंकि 5 बार के चैंपियन हैं और पिछले 4 साल से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मुंबई को देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर वो अच्छा कर सकते हैं, क्या 12 पॉइंट्स तक पहुँच सकते हैं या फिर वहाँ पर भी नहीं और 10वीं पोजीशन पर ना आए, ये कोशिश करना चाहेगी मुंबई इंडियंस। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।